मुझे मेरा वो ईमान दे दो, मुझे मेरा वो इनाम दे दो, जो मेरे जीने का एक जरिया है, मुझे मेरी वो पहचान दे दो, चाहे आंसू बेहिसाब दे दो, चाहे मेरे सारे ख्वाब ले लो, चाहे बांधो पैरों में तुम बेड़ियां, पर मेरी वो पहचान दे दो, जानने को मुझ में बचा कुछ भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट, और यहां पे हम करते हैं एनकोडेड बार्स को डीकोड। और आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो है एमसी स्टैन ट्रिपिन। उससे पहले जो तुमने स्टार्टिंग में क्लिप देखा है वो मेरे गाने का क्लिप है, तो पहचान गाने का नाम है और वो ऑलरेडी आ चुका है, कल आ गया था यूट्यूब पे, ऑलरेडी ऑल एवरीवेयर आ चुका है, हर जगह पे, स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, हर जगह पे है, इंस्टा पे भी है। तो जाके चेक करो, वीडियो चेक करो, गाना चेक करो, कैसा लगता है बताओ भाई, जाके कमेंट करो उस वीडियो पे, रिव्यूज़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव सब एक्सेप्टेड है भाई, ठीक है। सो जाके एक बार प्लीज़ ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और इसको भी और उसको भी। सो मेरे गाने भी आएंगे, इधर भी कुछ कुछ गाने आ सकते हैं, उधर भी कुछ कुछ गाने आ सकते हैं, सो दोनों को सब्सक्राइब कर लो। और अभी के लिए सुनते हैं एमसी स्टैन ट्रिपिन, लेट्स गो। और इसमें फीचरिंग है किसी का, एमसी THC आई गेस, सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। और एमसी स्टैन को हमने सुना हुआ है, एमसी THC को हम पहले बार सुनेंगे, सो आ जाओ। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ एमसी स्टैन, जो हमने उससे पहले बाकी सारे गाने आई थिंक सुने हुए हैं, मैंने सुने हुए हैं। ये एक गाना है जो मैंने नहीं सुना, उससे पहले कुछ गाने थे लाइक दिल पे मतले, गलत सीन, ये सब मैंने सुन लिए, मैंने उनका वीडियो भी बना दिया है और तुम जाके देखो उन वीडियो को भी। और अभी सुनते हैं ट्रिपिन, सो लास्ट सॉन्ग बचा है जो मैंने नहीं सुना आई गेस। बाकी अगर कोई और भी गाना है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, ठीक है, आ जाओ। आशिकी 2 की टी-शर्ट पहनी हुई है बंदे ने। पैदा हुआ मैं वहाँ पे हिप हॉप नहीं था, जहाँ पे सिर्फ मादी गुनी गाड़ी गिरी चली थी, यहाँ पे तंग हो चुका था भंग हो के 90s में, खो चुका था टूपाक के सपनों में, अपनों में नहीं रहता था मैं ज्यादा, गैर मुझे पसंद थे क्योंकि मुझे दिया अपनों ने ही, धोखा था ठोका था रोका था, हर एक बात करने से हिप हॉप मुझे करने से, ले झंडू सर पे तू रगड़, अगर घाटी सोच रखेगा तेरे सर पे दगड़, पुणे तेरा ऐसा प्लेस यहाँ सबको लव। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये जो गाना है ट्रिपिन जो गाना है स्टैन का, ट्रिपिन हो गया, गलत सीन हो गया, ये सब गाने क्या उससे पहले बने हुए हैं, उसके बाद के गाने जो जो एमिवे वाला सीन हुआ था, एमिवे के जो साइफर में ये लोग गया, ये गया था, और या वहाँ पे जब वो लाइक साइफर कर रहा था, कुछ अपना रैप सुना रहा था, तब के बाद का गाना या फिर उससे पहले का गाना, आई डोंट नो, बताओ भाई मुझे उसके उसका सीन। दे झंडू सर पे तू रगड़, अगर घाटी सोच रखेगा तेरे सर पे दगड़, पुणे तेरा ऐसा प्लेस यहाँ सबको लवर, अरे गली में फकर, अरे गली में गंजड़ी, अरे गली में आशिकी टू चल रही किस किस की जान, मुझे देखकर बदल गया सब कुछ, बात जरा चेक कर, ऊपर से नीचे और ड्रेसिंग से लेकर, एक गाना ड्रॉप किया, मिलने लगे लेबर्स, चलने लगे चाची चाची, जलने लगे नेबर्स और नेबर्स की। एक गाना चला, कौन सा गाना चला था इसका, आई थिंक मेरे को नहीं पता भाई, अगर कोई गाना है बताओ, क्योंकि इस टाइम पे मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता था एमसी स्टैन के बारे में। सो आई थिंक इससे पहले भी कोई गाना आया जो चल गया था अच्छा खासा, जिसकी वजह से इसको लेबल्स मिलने लग गए हैं, दैट्स व्हाट ही वांट टू से यहाँ पे, कि उसका कोई एक गाना था जिसकी वजह से जो चल गया था अच्छा खासा, उसको फेम मिला एंड उसके बाद लेबल्स ने इसे अप्रोच किया। कौन सा गाना है भाई वो बताओ जरा मुझे। लगे लेबर्स, चलने लगे चाची चाची, जलने लगे नेबर्स और नेबर्स की वजह से, लगते मेरे लौड़े कुछ नहीं करते फिर भी छाती करते चौड़े, एक नहीं दो नहीं सौ सौ इनके नौड़े, मुझे छुड़ा स्वैग वाले स्वैग सोने, क्या करूं आदत सी हो गई मेरे दिख सोने, क्या करूं फेक नहीं बच सकता सोने, तू हुआ कुछी भाई खच्ची दिख सोने। हां हमारे साथ तो नहीं होता ऐसा,
dies. And here's still where them dirty power gongs. Yeah. A homie down the street seems stop. Don't smoke all that shit, I got a bond. My nigga got lit, and he crunched his shit. Took a long deep breath and took a jumbo hit. We were running out of papers and the bomb just slipped in the trap. Nigga got scared of death and not shit. Ha, ha, TC bhai, thanda lo bhai zara. Ah, chalte rahe fast and chilling, chilling. Every time I say why don't just chill. Chill. I got this shit. Stop being a pussy. We gon' rock this shit. Pluck a leaf out of tree and roll this shit. Yeah. As I fuck a chillin' now. Suck this bitch. Pune tera se aaya ladka main. Ladki ko na chadta main. Dil mein aaya wo main karta main. Sidhi rehte bhi main chadta main. Dheere dheere badhta main. Meri zindagi se ladta main. Padhai meri dushman aur zindagi meri. Rapping masta sabse hat kar tabhi to public clapping. Har waqt meri soch hi aise badalti. So ek cheez to mujhe confirm hai ki is bande ka jo writing structure hai wo abhi tak matlab वो इसमें था पहले से, लाइक जो भी इसका तरीका है, स्ट्रक्चर है लिखने का, जो भी इसका राइम स्कीम्स होता है, जो भी एक 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 कोई भी तुम गाना बनाते हो ना, कोई भी अगर तुम वर्ड्स लिखते हो, या फिर तुम वो, या फिर वो कोई टिपिकल बॉलीवुड गाना है, कोई रोमांटिक सा बॉलीवुड गाना है, या फिर तुम कोई हिप हॉप गाना है, या फिर कुछ भी है, हर गाने का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कुछ गाने ऐसे होते हैं हुक्स आते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं हुक्स आते हैं, वर्ड्स आता है हुक्स आता है वर्ड्स आता है, ठीक है, ऐसे, और लास्ट में हुक आता है। कोई गाना ऐसा होता है वर्ड्स आता है हुक आता है, वर्ड्स आता है हुक आता है, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। किसी किसी में प्री कोरस होता है, किसी किसी में कोरस, तो ऐसी चीज़ें चलते रहती है। एंड बट हिप हॉप में क्या होता है, इसमें भी एक 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 लिखने का स्ट्रक्चर, कहने का मतलब कि एक तो इसका राइम स्कीम, ठीक है, सिमिलर लग रहा है मुझे अभी के गाने से, इसका जो राइम स्कीम है, और अभी जो हमने इसकी तड़ी पार एल्बम सुनी है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, वो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कितने साल पुराना गाना है, आई डोंट नो, बहुत साल पुराना गाना है, और तड़ी पार अभी जस्ट 2020 में आया ही है। सो बहुत ही अगर ये 3-4 साल पुराना गाना है, तो 3-4 साल में बंदा कहाँ से कहाँ डेवलप हो जाता है। हर रोज़ इंसान डेवलप होता है, 3-4 साल में तो बंदा लेवल अप कर ही लेता है अपना। बाकी स्ट्रक्चर इसका हमेशा से ही सिमिलर रहा है, मैंने अभी देख लिया, क्योंकि ये ट्रिपिंग गाना सुना मैंने, गलत सीन सुना मैंने, तड़ी पार भी सुना मैंने, इसका स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा वो सुन लिया है, तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब समझ आ रहा है कि हाँ बढ़ता में मेरी जिंदगी से लड़ता में, पढ़ाई मेरी दुश्मन और जिंदगी मेरी। रैपिंग मस्ता सबसे हट कर तभी तो पब्लिक क्लैपिंग। हर वक्त मेरी सोच ही ऐसे बदलती है, मेरी सोच की वजह से मुझसे पूरी दुनिया जलती है। अब इसमें क्या मेरी गलती है, मेरी सोच थोड़ी भलती है। ना सुर ना ताल ना आवाज मेरी खास, फिर भी सबके दिल के पास। सुनने वाले सुनते मुझको, लिखता हूँ मैं मन से, असली खून के रंग से, जो मैं सुनना चाहता वो है मेरे से। सुन 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 मेरी बहन, तू बनता है भाई खवाट आइटम को भी तू भूल ना। सुन मेरी बहन, तू बनता है भाई, तू असल में तेरा जेंडर यार। इसको ऐसे ही बोल सकता था, सुन मेरी भाई, सुन मेरे भाई, तू बनता है बहन, पर उसने डायरेक्ट बोला बे तू है, एक्चुअल में है तू, लेकिन तू बन भाई रहा है, क्यों यूनिक वे ऑफ टेलिंग। सुनना चाहता वो है मेरे से। सुन 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 मेरी बहन, तू बनता है भाई खवाट आइटम को भी तू भूल नहीं पाए। जिसने लौड़े लगाए तेको रस्ते पे लाए, तेरा पैसा तो छोड़ तेरा भेजा भी खाए, तवे पे करके फ्राई मीठा जहर खिलाए, जो दिखती है बर्फ लेकिन बासी मलाई। ये ना स्टारबक्स की कॉफी है, टपरी की चाय, तू ना समझत का ना, तेरे पीछे है सांप और आगे है खाए। सेम सीता मेरा के सांपों से लड़ाई पार करी गहरी खाई, जैसे सीढ़ी की चढ़ाई, थोड़ी अकल चलाई तो फिर एक आवाज आई। हिप हॉप मेरा मेजर, मैं उसका सिपाही। हिप-हॉप मेरा मेजर, मैं उसका सिपाही। सो मेजर, मेजर सिपाहियों का कैप्टन होता है बेसिकली, जो उनको ऑर्डर्स देता है एंड ऑल ये सब। सो ही स्टाइलिंग हिप हॉप मेरा मेजर एंड मैं उसका सिपाही, ऐसा एक रेफरेंस एनकोर ने भी यूज किया था, एनकोर एवीजे ने भी यूज किया था, आई थिंक क्लासिक नहीं, सीधे मौत एंथम में आई गेस उसमें यूज किया था उसने, कि मेरा हिप हॉप मेरा बाप में औलाद संस्कारी। सो सिमिलर रेफरेंस, मैं ये नहीं कह रहा कॉपी किया है भाई, बस अलग अलग तरीके से यूज किया है। MCTHC in the motherfucker now, rapping that beat, rapping Pune East Side motherfucker. Sarang sarang ska, fake bun bado peace. Bado eda, eda banu. Music MC Stan देता आ रहा है bro शुरू से. Music MC Stan शुरू से बनाता आ रहा है, उसने मतलब बहुत पहले से बना रहा है भाई वो. और उसका 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 प्रोडक्शन लेवल ना
उसके मेरे को ना अगर ट्रूली बताऊँ ना, उसका प्रोडक्शन लेवल मुझे बहुत ही ज़्यादा अप लगता है एज़ कम्पेयर टू उसका रैप। मतलब जो भी वो लाइक गाने बनाता है उसमें प्रोडक्शन लेवल अलग ही लेवल का रहता है। मैं उसको, अगर तुम मेरे से पूछो ना, रैपर तो मुझे पसंद है, ओवरऑल आर्टिस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे MC Stan एज अ प्रोड्यूसर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड एज अ प्रोड्यूसर इंडिया में मेरे को बहुत ही, कह लो यार, बहुत ही क्या, नंबर वन प्रोड्यूसर लगता है मुझे इंडिया में MC Stan। ओके, सैज वेज ठीक है, बट MC Stan इज गुड। ठीक है, सो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सी यू, एंड यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट करो। और कोई नया गाना है, अगर कोई पुराना गाना MC Stan का बचा है जो मैंने नहीं सुना, तुम्हें लगता है ऐसा, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और प्लीज़ एक बार पहचान जाके ज़रूर सुन लेना और मुझे रिव्यू ज़रूर दे देना, अगर तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, अगर तुम्हें कुछ लगता है कि उसमें ये कमी थी, उसमें वो कमी थी, कि इसमें ये बेटर हो सकता था या वो बेटर हो सकता था, तो मुझे प्लीज़ इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक सब पॉजिटिव ही मिलता आ रहा है, मुझे नेगेटिव क्रिटिसिज्म चाहिए ब्रोस। सो जाओ और सुनो और मुझे कमियाँ बताओ, आई विल इम्प्रूव दैट। एंड सो बाय।